हाय एवरीबॉडी, मैं कृपा शंकर पांडे आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन का समय चल रहा है और जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के बच्चे हैं वो परेशान हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि परेशानी का कोई सबब नहीं, अगर उन्होंने पढ़ा है तो पेपर अच्छा होगा, लेकिन अगर उन्होंने नहीं भी पढ़ा तो भी पेपर अच्छा होगा। उसका मैं तरीका आज बताने जा रहा हूँ, वो कैसे अच्छा होगा। मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि वो नकल करें या कोई चीटिंग करें जिससे उन्हें कुछ मिले। मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि दुनिया में जिस किसी व्यक्ति के पास भी वो चीज है, वो कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी एग्जाम में वो सिर्फ बोर्ड या ग्रेजुएशन का ही एग्जाम ना हो करके कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, जिंदगी का एग्जाम हो, उसमें भी वो फेल नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में मिनिमम दो चीजें तो होनी ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पांच चीजें होंगी तो थोड़ा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ बढ़ने लगेगा। उनमें पहला कदम है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे पढ़ते तो हैं, पूरा साल एक साल पढ़ते हैं, दो साल पढ़ते हैं, तीन साल पढ़ते हैं, उसके बाद भी एन मौके पर जब उनका एग्जाम आना होता है, उनका कोई इंटरव्यू होना होता है, तो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं और इतना नर्वस हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि वो एक नेव है, टायरों है उसमें, उस फील्ड में। मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ भी हो जाए, तुम्हें आता हो ना आता हो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी ना खोए। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खो देते हैं तो आप विफलता की तरफ मोड़ रहे हैं। हमें सफल होना है, इसलिए हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, कुछ भी ना आते हुए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हाई रहता है तो हम कुछ ना कुछ तो उसमें सॉल्व कर ही देंगे। अगर हमने किताबें पढ़ी हैं, किताबों का सिर्फ चेहरा देखा है एक शाम तक, तो भी हम कुछ ना कुछ उसमें से सॉल्व जरूर कर देंगे। और दूसरी चीज रही कि अगर हम किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो अटूट भरोसा करें, ये नहीं कि हम ये सोचने लगे कि वो हमें धोखा देते हैं। वो धोखा का मतलब आप लोगों के, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया कि तभी आता है जब आप किसी ऐसे जगह पर जा रहे होते हैं, तब आपको लगता है कि ये धोखा न देते सामने वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब जिसके ऊपर आपने साल भर विश्वास किया उसके ऊपर उस समय भी विश्वास कीजिए। और ये मेरी बात को एकदम मान लीजिए कि वो कभी भी धोखा ऐसे नहीं दे सकता। तीसरी चीज कि जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है उसे रिवाइज कर लें जल्दी से जल्दी, जितनी भी बार हो सकता है। चौथी चीज, एग्जामिनेशन टाइम के पहले दिन, या लोग होता है कि बहुत ज्यादा अपने आप को टेंशनाइज कर लेते हैं, और टेंशनाइज करने की जरूरत नहीं है। हमें एक आराम से सोना चाहिए, अपने दिमाग को फ्रेश करके एक फ्रेश माइंड के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठना चाहिए, जिससे हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। मैंने देखा है कि अगर सेकंड मीटिंग में बच्चों का एग्जाम होता है तो सुबह जल्दी पहुंच के, या अगर 2 बजे से एग्जाम है तो वो 11 बजे पहुंच के, 12 बजे पहुंच के, 2-3 घंटे वहां सोचते हैं कि एग्जामिनेशन के प्रांगण में पहुंच के पढ़ेंगे तो उनका ज्यादा अच्छा पेपर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपने साल भर नहीं पढ़ा या आपकी साल भर की पढ़ाई काम नहीं आएगी तो 1 घंटे की पढ़ाई काम नहीं आने वाली है। इससे क्या होगा कि आप जो कुछ भी अच्छे से भी जानते रहे होंगे वो भी भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो उसके ऊपर विश्वास करना छोड़े ना इन मौके पर, और अपने इस पढ़ाई को, जो कि भी आपने साल भर की है, उस पढ़ाई को व्यर्थ ना जाने दें। और एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आप अच्छे से आराम करके जाएं, ताकि आपकी बॉडी, आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहे और अपनी 100% दे सके। थैंक यू, थैंक यू।